हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप एकदम मस्त होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया न्यू फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल, जिसमें कि हम कुछ स्टेप से अपनी फ़ोटो को एडिट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वह सबसे पहले मैं अपनी फ़ोटो को ऑटोडेस्क ऐप में सेंड करके ओपन करूँगा, और ऑटोडेस्क में हम स्किन स्मूथ और बैकग्राउंड को इरेज करेंगे अच्छे से, और थोड़ी कलर एडजस्टमेंट भी करेंगे इसी में। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले ब्रश वाले ऑप्शन पे, और इसमें स्मज नाम से जो ब्रशेज हैं उनमें जो नीचे से सेकेंड ब्रश उसे चूज़ करूँगा, और इसका फ्लो और स्ट्रेंथ में बिल्कुल 3 या 4 के आसपास रखूँगा। और आप देख लीजिए, मैं फिर इसे धीरे धीरे से अपने फेस पर पेंट करूँगा। तो आप अपने स्लोली स्लोली अच्छे से इसे पेंट करें, ठीक है। और इसमें एकदम परफेक्टली जो है स्मूथ होती है स्किन, इसलिए मैं इसका यूज करता हूँ। देन आपको फिर से ब्रश वाले ऑप्शन पर जाना है, और सबसे स्क्रॉल करके सबसे ऊपर आना है। हार्ड जो ब्रश है वो आपको चूज़ कर लेना है, हार्ड इरेजर, और देन फिर हल्के हल्के अपने बैकग्राउंड को इरेज करना है कुछ इस टाइप से। ये आपको थोड़ा इसमें टाइम लेता है ये बैकग्राउंड, ये जो टिप्स मैंने जो आपको बताई है, अगर आपको बैकग्राउंड सही से इरेज करना नहीं आता तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बैकग्राउंड को इरेज करना प्रॉपरली आपको बताया है। उसमें मैंने 4 तरीके बताए हैं, उसमें ये चौथा तरीका है मैंने जो मैं हमेशा पर्सनली यूज करता हूँ वो है, ठीक है। तो आप इसका यूज करके अपने बैकग्राउंड को अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। तो मैं इसे अच्छे से कर लेता हूँ। मैंने कुछ स्टेप से किया है कि थोड़ा सा इसका पोर्शन ऊपर से रेज किया है मैं, क्योंकि इसमें एक बैकग्राउंड को अच्छे से इसमें ब्लेंड करने वाला हूँ। ओके, तो इतना करने के बाद गाइस ये बैकग्राउंड मेरा पूरा जो है कंप्लीट रेज हो चुका है। तो इसमें अब मैं अब एक फ़ोटो ऐड करूँगा, एक बैकग्राउंड जो मैंने ये यूज किया है इसमें। तो ये मैं अपने उसमें से चूज़ कर लेता हूँ इसको अच्छे से। ये मैंने अपना बैकग्राउंड है, कुछ इसमें 30 ऐड किए हैं, फॉरेस्ट का है, पीछे से सनलाइट आ रही है कुछ इस टाइप से। तो मैं इसे अच्छे से इस पर सेट करके एडजस्ट कर देता हूँ। फिर अब तक मैं लेयर को ऊपर जो बैकग्राउंड वाली लेयर है उसको अपनी फ़ोटो के नीचे ले आऊँगा, और फिर जो इसको बैकग्राउंड मुझे मैच करना है तो मैं इसको हार्ड और सॉफ्ट इरेजर दोनों का यूज करके सॉफ्ट वाले इरेजर से हल्के हल्के से इरेज कर दूंगा, जिससे कि ये बैकग्राउंड मेरा बैकग्राउंड और जो मेरा मैंने बैकग्राउंड यूज किया है उसके साथ अच्छे से मैच हो जाए। और फिर मैं जाऊँगा उसमें कलर्स में, और फिर HSL को और इसकी जो लाइटनेस है उसको अच्छे से इसी में मैं एडजस्ट कर लूँगा। ये सब इसी में ऑप्शन है तो मैं इसी में कर लेता हूँ। बाकी मुझे PicsArt में भी जाना है, लेकिन वो अलग उसमें भी अलग करूँगा, इसमें मैं भी इसी में कर लेता हूँ। देन मैं फिर इसके बैकग्राउंड को अच्छे से फिर से मैच करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पहले इसमें थोड़ा सा वर्क रह गया था इसीलिए। इसमें मैंने हार्ड इरेजर का भी यूज़ किया है और फिर सॉफ्ट इरेजर का भी। सॉफ्ट इरेजर का यूज़ मैंने इसलिए किया था क्योंकि इसमें हार्ड इरेजर थोड़ा ब्लेंड करने में थोड़ा दिक्कत देता है इसलिए। इतना करने के बाद गाइस आपको एक सनलाइट की PNG ऐड करनी है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से आगे से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इसका आप अच्छे से दोनों उंगलियों से बढ़ा करके अच्छे से इस पर सेट कर दें, और फिर इसे यहाँ से कर दें डन। और आप अपनी जो लेयर आपने न्यू ली है उसी पर टैप करें, और फिर ब्लेंडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, उसको ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर दें। तो ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन करने से आपका जो ब्लैक पोर्शन है वो हट जाएगा और PNG जो है वो रह जाएगी, ठीक है। तो ये इतना करने के बाद गाइस, और फिर मैं देखता हूँ अपनी मेरा ये मतलब जो पीछे सनलाइट आ रही है वो
परफेक्टली है, मतलब अपनी सही हिसाब से बैठी है या नहीं, उसे अच्छे से एडजस्ट कर लूँगा। फिर मैं यहाँ से कर देता हूँ डन, और फिर यहाँ से कर देता हूँ सेव। अब चलते हैं पिक्सार टैब में। तो मैंने ये डायरेक्टली पिक्सार टैब में ओपन कर ली थी अपनी पिक, और मैं एड पिक में जाके वो बैकग्राउंड में लेकर आया हूँ, और जो पोर्शन मेरा मैच नहीं कर रहा था वहाँ पे, जो मैंने कोशिश की थी मैच करने की लेकिन हुआ नहीं था, उसका मैं थोड़ा सा पोर्शन लेके और क्रॉप करके इसे इसे अच्छे से मैच करने की मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ पिक्सार टैब में। मोस्टली मैंने इसीलिए मतलब यूज़ किया इसका कि वहाँ पर ये मैच नहीं पाया था, तो मैं इस पोर्शन को ऊपर रख के इन्वर्ट करके मैंने इसे ब्रश से हल्के हल्के पेंट किया है। मैंने ब्रश और ब्रश की ओपेसिटी और हार्डनेस को बहुत ही कम रखा है। ठीक है गाइस, तो इतना करने के बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ डन, और फिर मैं जाता हूँ उसमें टूल्स में और लाइट में, और वहाँ जाके मैंने इसकी लाइट को बैकग्राउंड और मेरे बैकग्राउंड की लाइट को अच्छे से मैच किया है। तो गाइस इतना करने के बाद आपको इस पिक्स को मैं डायरेक्ट में अपने सेंड करके ओपन करूँगा, और बाकी की लाइट एडजस्टमेंट में सारी लाइट मैं ही करूँगा। तो मैं यहाँ पे अपनी वॉइस को म्यूट करने वाला हूँ और इसमें म्यूजिक ऐड करने वाला हूँ। तो आप म्यूजिक को इंजॉय करते हुए वीडियो को लास्ट तक देखिए, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे या थोड़ी भी नॉलेजबल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इन्जॉय। What's left? And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. What's left? And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on.
See the horizon, turn us to thousands.